हमीरपुर में धसान नदी से संचालित टोला खगारन खंड चार में खनन नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैकऑफ खनन माफिया अवैध खनन के लिए प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खनन माफिया एनजीटी के नियमों व न्यायालय के आदेशों को ताक पर रखकर कर रहे हैं अवैध खनन। हाल ही में भाजपा विधायक मनोज प्रजापति ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अवैध खनन व ओवर लोडिंग की शिकायत की थी। शिकायत के बाद भी रातों रात आपको बता दें कि प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद भी अवैध जो खनन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर प्रशासन की आंख के नीचे अवैध खनन हो रहा है, जबकि प्रशासन मौन बना हुआ बैठा है। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ और इस बात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने रखा है। प्रशासन से भी हमने कई बार इन सब चीज़ों की चर्चा की है। यहाँ पर माइनिंग डिपार्टमेंट और आपका परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारी, इन सबकी मिली भगत से ओवरलोडिंग का काम चल रहा है। निश्चित रूप से इसको रोका जाएगा। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का भी सकारात्मक रुख है कि कैसे रोका जाए। जो एंट्री का खेल है इसके विषय में भी हमने अवगत करा दिया है। उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला अवैध खनन के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहा है। अवैध खनन को लेकर यहां लंबे समय से सीबीआई जांच भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमीरपुर में खनन माफियाओं में अवैध खनन के प्रति जरा सा भी भय दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने पीछे का नजारा। ये हमीरपुर जनपद का टोला खगारन खंड संख्या 4 है, जो धसान नदी से संचालित है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधा दर्जन हैवी पोकलैंड मशीनें हैं जो लगातार दिन खनन नीति को ताक पर रखकर खनन कार्य कर रही हैं। आपको बता दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एलएनटी जो कि बड़ी हैवी पोकलैंड मशीनें होती हैं, उनका प्रयोग आप खनन कार्य में नहीं कर सकते और वहीं एनजीटी नियम अनुसार एक निश्चित गहराई से ज्यादा आप मोरंग नहीं उठा सकते। लेकिन यहां खनन माफिया जिस तरीके से एनजीटी और न्यायालय के आदेशों को ताक में रखकर बेधड़क हैवी पोकलैंड मशीनों से खनन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल या निशान खड़ा करता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सत्ताधारी विधायक मनोज प्रजापति ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग को लेकर सीएम योगी से शिकायत की थी, जिसके बाद हमीरपुर प्रशासन ने रातों रात कई खदानों पर छापेमारी कर एक बड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन महज कुछ ही दिनों बाद अवैध खनन माफियाओं ने एक बार फिर से अवैध खनन शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि हमीरपुर प्रशासन इस बार क्या कार्रवाई करता है। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन, एमके न्यूज़।